तस्वीरें जो है ये भाजपा हेडक्वार्टर से है, जहां पर दो महीने से अपने घरों से बाहर एनएचएम एम्प्लॉयज कभी किसी पार्क कभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सहारा ले रहे हैं ताकि अपने प्रदर्शन को जो है वो कंटिन्यू कर पाए। लेकिन आज वो थक हार कर जो है वो भाजपा के कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। और आपको बता दूं कि भाजपा हेडक्वार्टर के बाद पहुंचने के बाद में उनके साथ क्या सलूक हुआ वो आप तस्वीरों में देखिए, किस तरह से पुलिस कर्मी जो है वो एक बेटी को खींच कर जो है वो गाड़ी में डाल दें, किस तरह का व्यवहार जो है वो उसके साथ किया जा रहा है। ये वही बेटियां हैं इनके लिए कहा जाता था कि आप बेटी पढ़ाएं और बेटी बचाएं, और ये वही सरकार है जिसने इन बेटियों के नाम पर जो है वो वोट लिए थे। आज उन्हें जो है वो डंडों से जो है वो मारा जा रहा है, और ये वही कोविड वॉरियर हैं जिनको जो है फूल की मालाएं पहनाई थी और कहा गया था कि आप हमारा साथ दीजिए हम आपका साथ देंगे, लेकिन इन्होंने जो है उनका साथ दिया। लेकिन आज उनका साथ देने के लिए कोई भी भाजपा कार्यालय से बाहर नहीं आया। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आज पुलिस कर्मी जो है वो पूरे जोश और पूरे एक्शन मोड में है। लगता है कि दो महीने की सारी कसर जो है वो आज ही यहाँ पर निकाली जा रही है, और ये तस्वीरें जो है ये बयां कर रही हैं कि किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अगर इनके माता पिता इस तरह की वीडियो देख रहे होंगे तो क्या गुजरती होगी उनको। लेकिन भाजपा कार्यालय के बाहर जाना और उनके कार्यालय के बाहर बैठना लगता है आज गुनाह साबित हो रहा है, क्योंकि गेट पर बैठने के बजाय जो है अगर वो सिर्फ गेट पर बैठे थे, लेकिन उनके साथ किस तरह का व्यवहार यहाँ पर किया गया वो आपने देखा तस्वीरों में। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बीजेपी हेडक्वार्टर्स की तस्वीरें हैं, जहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स जो है वो पहुंच चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो है एनएचएम एम्प्लॉयज जो है आज डोगरा चौक को छोड़कर आज भाजपा कार्यालय तक पहुंचे थे। लेकिन आप देखिए जनाब, गेट पर बैठे हैं, क्या कसूर है? क्या भाजपा के गेट पर बैठना गुनाह है? क्या भाजपा के दफ्तर में आना गुनाह है? क्या आप भाजपा के ऑफिस नहीं आ सकते? क्या आप भाजपा कार्यालय अपनी शिकायत लेके नहीं आ सकते? क्या आप उन्हें सुना नहीं सकते कि आपकी क्या डिमांड है? तो डिमांड सुनाने पर कुछ इस तरह का होता है। ये आप सामने की तस्वीर में देख सकते हैं कि जबरदस्ती बैठी हुई लड़की को उठाया जा रहा है, बैठी हुई कोरोना वॉरियर को उठाया जा रहा है। मैं तो कहूंगी वो शांति से बैठे थे, लेकिन उन्हें खुद से उठाया जा रहा है। अभी आप तस्वीर में देखेंगे कि जब वो नहीं उठेंगे उन्हें घसीटेंगे। आप ये तस्वीर पर जरा गौर फिक्र फरमाइएगा कि ये नहीं उठेंगे, लेकिन इन्हें उठाने के लिए देखिए खींचा तानी। जब इंसान बैठा है जनाब तो उसे खींच कर उठाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हमने कुछ नहीं कहा, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आज हम जोश में और आप बचकर जा नहीं सकते। तो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें पूरे देश भर में पहुंची होंगी, और ये तस्वीरें क्या साबित करेंगी? क्या जम्मू कश्मीर की छवि को खराब नहीं करेंगी? क्या ऐसा मैसेज नहीं जाएगा कि जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ इस तरह का जो है वो किया जाता है? और ये जो अगर एनएचएम एम्प्लॉयज की हम बात करते हैं, ये काफी महीनों से जो है अपने घरों से बाहर है, अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखो। कल भी पैदल मार्च जो है डोगरा चौक से लेकर जीएमसी तक किया था, तब पुलिस ने कॉपरेट किया था। तो आज पुलिस को क्या हो गया? आज भी तो पुलिस इनके साथ कॉपरेट कर सकती थी। ये जो आप हॉट स्पॉट सीन देख रहे हैं ये है एक युवक को जो है पुलिस उठाकर ले रही है। लेकिन जितनी भी एनएचएम एम्प्लॉयज की फीमेल्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं कि आप इसे जो है वो ना लेकर जाए। लेकिन इन तस्वीरों में आप ये देखिएगा कि किस तरह का माहौल जो है वो उनके साथ किया जा रहा है, किस तरह से डंडे से जो है वो उन्हें पीछे किया जा रहा है। देखिए उनकी गर्दन पर डंडा, पुलिस वाले की टांग से उन्होंने पकड़ी है कि उनका साथी बच जाए, लेकिन लगता है आज वो नहीं बचेंगे। तो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाते हैं, हमें भी दिखाते हुए दुख होता है, लेकिन ये जम्मू की तस्वीरें हैं। आप तक हर एक न्यूज़ पहुंचाना हमारा फर्ज है, इसलिए हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप अपनी राय को जरूर शेयर कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप जो है जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को फॉलो कर रहे ताकि अगले अपडेट्स जो है वो आप तक पहुँचते रहे। आपकी राय बहुत जरूरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो अपनी राय जरूर